चाय की टपरी से लेकर रेल की पटरी तक, गांव के बाजार से लेकर शहर के मॉल तक, चर्चा है सिर्फ देश के लोकतंत्र की और उसमें सम्माहित आस्था की कि आखिर इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पे आसीन होंगे या फिर राहुल गांधी संघर्ष के लिए जाएंगे या राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खोजेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात उन लोगों से, उन जनता जनार्दन से समझेंगे जो वोट डालने जाती है, जो उस तबके की जनता है जो मतदान करने जाती है, उससे समझेंगे और बूझेंगे। मैं एक ऐसी मार्केट में हूँ जो सब्जी की मार्केट है और सब्जी के दामों के साथ आखिर राजनीति क्या कह रही है, क्या कर रही है, उसको समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? पवन साहू। साहू जी, एक बात बताओ, सब्जी के दाम की क्या स्थिति है? दाम अभी ठीक है भैया, थोड़ा रेट कम है, अभी रेट कम है। रेट कम से आपको फायदा होता है कि नुकसान? फायदा तो अभी नहीं है, क्या है मार्केट अभी चेंज हो गया है, दूसरे तरफ आ गया है मार्केट, उसके नाम से थोड़ा डाउन चल रहा है बाजार अभी। एक बार ये अदरक का दाम बता दो इनको। पाव 40 रुपया। इसका दे भी दीजिए। ये बताइए मुझे, देश का प्रधानमंत्री कौन है, जानकारी है? जी, नरेंद्र मोदी। कैसे लगते हैं? ठीक है, जैसे भी अभी तो ठीक है। राहुल गांधी? राहुल गांधी अब आने पर पता चलेगा भैया। अभी जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है, वैसे कैसे लगे? अभी तो ज्यादातर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। सब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से विकास उपाध्याय और आपका ब्रिजमोहन अग्रवाल है, कौन बेहतर लगता है उसमें? अपने को ब्रिजमोहन लगता है भैया। कोई खास वजह? नहीं, अब वो अपने को भाजपा ही ठीक लगता है। वो भाजपा ठीक लगता है? महंगा तो नहीं दे रहा है? महंगा तो नहीं दे रहा है? नहीं, महंगा नहीं दे रहा, महंगा नहीं दे रहा है। ये बताओ, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ाते हैं, पूरा बढ़ गए हैं, बढ़ रहा है। तो ये बताओ मुझे कि सरकार तो वादा करती है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, सब बेहतर कर रहे हैं, क्या बेहतर हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा भैया, सब बोल बच्चन है। सब बोल बच्चन है, अमिताभ बच्चन कुछ नहीं है? अमिताभ बच्चन होता तो थोड़ी होता। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए मुझे, दो लोग रायपुर लोकसभा से चुनावी मैदान में, एक विकास उपाध्याय और एक ब्रिजमोहन अग्रवाल, कौन बेहतर लगता है कि कौन काम करेगा या जिसने काम किया? हाँ, ब्रिजमोहन ही कर पाएगा, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और देश की बात करें, विकास उपाध्याय तो कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वही तो आएंगे ना, हाँ उनके हिसाब से होगा विकास। जिसकी सत्ता, तो सत्ता बदलने की तैयारी, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। पक्का? पक्का पक्का, ऐसा कुछ नहीं है पक्का। दादा आप कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग? एक भाई मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा अली। अली जी, एक बात बताओ, देश में अभी जिनका शासन है वो ठीक है कि किसी नए की तैयारी है? नहीं, अभी ठीक है, सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है। तमाम चीजों को लेकर कई बार विरोध होता है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? पक्का, इसलिए कि पूरा गांव-गांव जो कच्चा रोड था वो अभी सुधर गया है, गली गली सुधर गया है, पानी की सुविधा हो गया है, और क्या चाहिए, हर चीज तो सुविधा हो ही रहा है, सुविधा है, इसलिए सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। अली जी बता रहे हैं जब सुविधा है तो सब ठीक है, और नेताओं से यदि इसी तरीके की सुविधा मिल जाए तो मुझे लगता है सब ठीक लगता है। सब ठीक लगेगा। हाँ बिल्कुल, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। हाँ, जनता तो यही चाहता है कि हर काम होना चाहिए सही टाइम पे। आप क्या करते हैं? मैं ग्रीस मारता हूँ फिलहाल। किस चीज में? ट्रक में। ट्रक, ये ट्रक में ग्रीस मारने का काम करते हैं। ग्रीस उसको लगाई जाती है कि चीजें रवा हो जाएं, और ये थोड़ा रवा हो जाए, सही बोल रहा हूँ ना मैं? और ये देश में बता रहे हैं कि चीजें रवा हो रखी है, तो बदलने की जरूरत तो इनको नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं, सब्जी का दाम, अरे अरे रुको 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 रुको, कुछ और लोग हैं। क्या कर, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं, मैच खेल रहा है? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या भाव चल रहा है? 40 एक किलो। 40 एक किलो, हमें बहुत पसंद है यार। लेकिन ये बताओ मुझे, इसका दाम पहले से महंगा है या पहले से कम है? पहले से कम है। कम है? हाँ। चलो ये कम है, ऐसा तो नहीं चुनाव आ गए इसलिए कम? नहीं भैया, ऐसे नहीं है। पक्का? पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं और दूसरे प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, कौन ठीक लगता है?
उतना पता नहीं भैया मेरे को। मोदी कैसे लगते हैं? ठीक है मोदी। ठीक लगते हैं राहुल गांधी? वो भी ठीक है। बृजमोहन अग्रवाल कैसे हैं? वो भी सब ठीक है। विकास उपाध्याय? सब ठीक है। अरे कुछ तो बताओगे यार, उतना बारे में पता नहीं भैया हम लोग। साथ में आओ। पढ़ाई क्यों नहीं करने जा रहे? पढ़ लिया है। पढ़ लिया है जितना पढ़ना था पढ़ लिया। पढ़ लिया। पढ़ाई लिखाई कराओ इनसे। एक बच्ची बैठी है गुड़िया, उससे बात करूंगा मैं, एक बार समझूंगा। जिस तरीके से सब्जी हरी हरी दिख रही है वैसे तुम्हारा चेहरा भी खिलखिला रहा है। क्या नाम है आप? दामिनी निषाद। दामिनी जी एक बात बताओ, पढ़ाई करती हो कि नहीं? दोनों काम करते हैं, बेचाई भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ रही हो आप? अभी सिक्स में जाने वाले। सिक्स में जाने वाले हो। ये दामिनी है, ये दोनों काम करती है। उनको समझना चाहिए जो परिस्थितियों से रोते हैं कि हमारी परिस्थिति तो खराब है। एक बात बताओ बेटा मुझे, आप राजनेताओं को राजनीति को जानती हो? नहीं सर। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद नाम याद नहीं। मोदी जी को जानती हो? यस सर। राहुल गांधी? नहीं सर उसको नहीं जानती। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं सर। मोदी जी को भी जानती हैं, मोदी जी भी अच्छे लगते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। ये तो सब्जी में जो तड़का लगाया जाता वही सब बेच रहे हैं। क्या नाम है? लल्ला साहू। साहू जी एक बात बताओ, जितना तड़के का आइटम है सब वही रखे हो, बाकी कुछ नहीं रखे? ज्यादा कमाई इसी में है क्या? हाँ। एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? चल। कौन सी क्लास में? ग्यारहवीं। कौन सी साइड से पढ़ रहे हो? मैं? हाँ। मतलब नहीं समझा। कॉमर्स हिंदी लिया है, इंग्लिश में पढ़ रहे हो? बायो। अरे बायो के स्टूडेंट हो? हाँ। अरे यार बहुत शानदार है यार बायो के। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है जानते हो? हाँ, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को जानते हो? हाँ। कौन अच्छा लगता है दोनों में से? कौन अच्छा लगता है, मोदी की राहुल? ये बताओ जल्दी। ये शर्मा दिए हैं। अच्छा कौन लगता है? क्या क्या खरीदारी हुई है? एक सेकंड, क्या क्या खरीदारी हुई है? मैं अभी कुछ नहीं ली, भाजी बस ली हूँ। भाजी का गोभी भी दिखाई दे रहा है हमें। हाँ। ऐसे क्या खरीद? अच्छा रुको, आप बात करो। कोई बात नहीं, क्या क्या खरीदारी हुई है? गोभी, भाटा, आलू। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? अभी 12th में जाऊंगी। 12th में जाओगे? अरे वाह। कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो? साइंस, कॉमर्स? अरे हमको मैथ्स नहीं आती थी ना लेकिन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है, पता इस बारे में? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ सही बता रहे। नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं या राहुल गांधी, कौन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे हैं। अगर एक चुनना पड़े तो कोई? तो नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह? चलो अच्छा सब्जी खरीदिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूं। आधा किलो बीस हो गया है। हमें तो लगा आधा किलो 40 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ दाई, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, दिल्ली जाने की तैयारी है, विकास उपाध्याय भी लड़ रहे हैं, कौन अच्छा लगता है आपको? हमारे पर तो सभी अच्छे हैं, बाकी कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस अच्छा है? ऐसा कुछ मिला है कांग्रेस से या विकास उपाध्याय ने कुछ किया? पैसा ले लीजिए आप, नहीं तो आपका पैसा लेके चल देंगे अभी आप। अभी पहले जमाना में सियान मन कुछ करे है इसे कह के, बाकी अभी तो दे थे यह देवत हवे भाजपा करे थे। लेकिन कांग्रेस ठीक लगती है लेकिन भाजपा को दे रहे हो? नहीं अभी देवत है, बाकी सब दुख सुख में साथी कांग्रेस दे है कह के खुद सियान मन बोलते, इसीलिए उसको दे रहे हो? नहीं अब जेन अभी चाहवे तेनेल देवे, कोई भी यह हो बेटा अभी चलावा तेनेल देवे। अच्छा वो क्या नाम है कहा था कि महिलाओं को पैसा मिलेगा, खाते में मिला वो 1000 वाला? वो लग दे थे। दे थे? हाँ। चलिए सरकार की योजनाएं तो पहुंच रही हैं और चर्चा तमाम चीजों की है। कुछ और लोग हैं, टमाटर का रंग लाल है, अब ये लाइट का कमाल है या तुम्हारा कमाल है हमें तो नहीं पता, ये बताओ हमें।
टमाटर का रंग इतना लाल कैसे? तुम्हारा कमाल है कि लाइट का कमाल है? दवाई का कमाल है भैया। दवाई का कौन डाल रहा है? बाड़ी वाले डाल रहे हैं, और कौन डाल रहे हैं? गुरु ये सुन लेंगे ना तो फिर देख लो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बंद करके भी दिखला दूंगा, लाली दिखे ऐसा है क्या? अरे ये कॉन्फिडेंस है, कहाँ से लाए उतना कॉन्फिडेंस? चंद्राकर बाड़ी का माल है भैया। ऐसा है क्या? अच्छा कॉन्फिडेंस है भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बृजमोहन अग्रवाल ज्यादा बेहतर है लोकसभा के लिए कि विकास उपाध्याय? अब देखो जिसका पार्टी दमदार है वो रहेगा ही। किसका दमदार है? मोदी का दमदार है। यानी मोदी वाले तो नहीं हो कहीं? नहीं मोदी वाले नहीं है भैया, लेकिन मोदी का दमदार है इसलिए बृजमोहन चल जाएंगे। बाकी खुद की बखत नहीं नजर आती है। भी बात ठीक कर रहे हो। क्या क्या खरीदारी हुई है? भाजी हो गया है, भिंडी और आलू प्याज। महंगा लग रहा है? सस्ता? अरे बहुत महंगा भैया। कितना पैसा चला गया अभी तक? अभी 300 चला गया। 300 चला गया तो भैया थोड़ा सही सही लगाओ, 300 अभी तक इनका चल दिया है। आलू 20 का डेढ़ आलू 30 रुपया किलो है। चीज समझनी है, देश में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा? मोदी, आपके पास भी आ जाऊंगा। कौन अच्छा, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह? उन्होंने बोला है तभी बोल रहे हो लग रहा है। वो मेरा हस्बैंड है ना। हस्बैंड जो कहेंगे वही मान तो नहीं बोलूंगा क्या? अच्छा भैया तो हस्बैंड से बात कर लेते। क्यों हस्बैंड साहब मोदी को क्यों मोहर लगा रहे हो? हम लोगों को हर चीज उन्हीं के दौर से मिला भैया, हमको घर मिला, गैस मिला, अपना राशन कार्ड मिला, सब चीज उन्हीं के बदौलत मिला हमको। इसलिए मोदी बस हर बात। सरकार जिस चीज की चर्चा कर रही है दिल्ली में बैठ के, उस चीज की चर्चा यहाँ मतदाता भी कर रहा है, उस चीज की चर्चा यहाँ मतदाता भी कर रहा है। और एक बात साफ हो गई है कि जिस राशन कार्ड की चर्चा की जा रही है, जिस बात की चर्चा की जा रही है, मतदाता भी उस चीज की चर्चा करने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। अरे गजब का आलू फैलाए हो गुरु आप, क्या भाव चल रहा है? आलू 30। ये सब लोग बता रहे हैं आलू का दाम सबसे ज्यादा है। ये आए वाला पूछना है इनसे पूछो। हाँ। आप बता दो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बताओ। हाँ। चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी लग रहा है इस बार दोबारा सरकार में आएगी? मोदी ही आएगा, और कौन आ गया? ऐसा का है? गारंटी ना होगा? कौन गारंटी है? गारंटी तो हमारी नहीं है, तुम गारंटी कहाँ से देती हो? मोदी मोदी ही आ गया पक्का? हाँ गारंटी दे रहे हो? हाँ। कोई खास वजह? मोदी का कोई काम बताओ आप। उसका चाल चलन ठीक है? चाल चलन ठीक है। बाकी का ठीक नहीं है कि चाल चलन? यार गारंटी दे दी हो, अब गारंटी के बाद तुम्हारे साथी से पूछना। ये पूरा गारंटी दे रहे हैं कि मोदी ही आएगा, लग तो रहा है भैया। गारंटी तो आया तो 5 जन तक नहीं था उसके संग में। अच्छा बाजार में था? इसी बाजार में? हाँ। और ब्रिजमोहन के साथ सब थे वहाँ पर? मेला लगा था वहाँ साखरम कल, उसके चक्कर में कल आया था ना साखरम, आया था तो उसमें भीड़ थी। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो गुरु। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर। मोदी जिस गारंटी की बात करते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद वाले नहीं, यहाँ ये दूसरी आजादी ले रहे हैं, ये बता रहे हैं गारंटी दे रहा हूँ आएगा तो मोदी ही। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पढ़ते हो आप? हाँ पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? मेरा अभी कॉलेज का फाइनल ईयर है, बीएससी। बीएससी फाइनल ईयर है। ये बताओ देश में कौन सा नेता आपको पसंद है? नेता तो जो अच्छा काम करेगा वही पसंद है बस। कौन काम कर रहा है? अच्छा दिख रहा है कौन काम कर रहा है बताइए, हम तो देख नहीं पा रहे, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आप ही दिखे हो। अभी मोदी फिलहाल अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो अभी ठीक काम कर रहा है। आप लोग के लिए मतलब आप लोग के लिए कौन सा ऐसा काम किया है? जैसे अपने धार्मिक कार्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाए हैं। राम मंदिर बनाए हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? अमेश्वरी। अमेश्वरी गुड़िया बीएससी की छात्रा है, और इसने छात्रा होते हुए राम मंदिर का चर्चा कर दी, 370 की चर्चा कर दी, तो आप समझ सकते हैं युवाओं के मन में भी राम मंदिर की चर्चा फिलहाल तो है। ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ और लोग हैं जरा समझते हैं और बूझते। इधर कुछ अलग अलग आइटम बिक रहा है, सब मसाला आप ही बेच डाल रहे हो ना, सब्जी कहीं और मसाला यहाँ। ये बताओ देश में चुनाव है, कौन लग रहा है बेहतर है? अब मैं क्या बोलूँ भैया, वो पब्लिक बताएगा बेहतर। आप भी तो पब्लिक ही हो गुरु। कौन ठीक लग रहा है? कौन ठीक लग रहा है, मोदी की राहुल गांधी?
अब जो अभी डिसाइड नहीं हो रहा है हुआ है। चलो आप मसाला बेचिए, कुछ और लोग हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे समझता हूँ कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। क्या क्या खरीदारी हुई? आराम से क्या भाजी ले हुई है? क्या क्या भाजी दिखा? आलू असली अभी आई। अभी आयो? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देश में कौन प्रधानमंत्री है पता है आपको? एक और पार्टी है जो प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री बने, कौन लग जो है वही ठीक है कि नया आना चाहिए? वो ठीक है, अभी ठीक है, वो ठीक है, मतलब नाम नहीं लोगे, मोदी ठीक है ऐसा बोलना चाह रहे हो। दूसरा ये बताओ मुझे, यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय लड़ रहे हैं चुनाव, उन दोनों में कौन ठीक है? कैसे बताते हैं? मुँह से बताइए, मुँह से मंत्री अभी जो है वही ठीक है, वो भी ठीक है, चावल तो देवत है ना, ठीक है, मतलब मोदी ठीक है और बृजमोहन ठीक है। हाँ दोनों ठीक है, चावल मिल रहा है, चावल का खेल है। मैं आपसे ना बहुत प्रभावित हो रहा हूँ, पूरा हेलमेट लगाए आप पूरा दर्शन कर डाल रहे हो। मुझे एक बात बताइए, चुनाव चल रहे हैं देश में, चुनाव की बयार बह रही है, कौन नेता मुफीद लगता है? क्या ये आपका लोकसभा के, लोकसभा के लिए मोदी? पांच काम आप गिनवाएंगे क्योंकि आप लग रहे हैं बुद्धिजीवी, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। देखिए पहला चीज क्या है कि जो हमारे देश के लिए जो मेन चीज था राम मंदिर, उस मुद्दा को रिजॉल्व किया उन्होंने, 370 धारा था उसको रिजॉल्व किया उन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, काम स्पीडली हुआ। और दूसरा सबसे निचली जो स्टेप था कि जो पहले अटेस्ट करना पड़ता था, वो अटेस्टेशन को सेल्फ को उन्होंने किया, वो बहुत बड़ा था एक नया, वो तो ये सब चीज़ें थी। दूसरी चीज़ है कि आपको जो कोरोना में जो इतना अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट किया, जो वैक्सीन लाया, वो सबसे अच्छी चीज़ थी। आप मुझे इतने दिन के चुनावी यात्रा में एक व्यक्ति मिले जिसने बताया कि कोई मोदी को चुने तो क्यों चुने, राहुल गांधी के बारे में भी कुछ बता दीजिए। नहीं देखिए, राहुल गांधी भी अपने जगह सही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिस लेवल के जो अगर कंपेयर करें तो मोदी के कंपैरिजन में वो नहीं आते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे सही हैं। समय लगेगा तो थोड़ा मोदी को भी जैसे मुद्दों पे काम करना चाहिए, जो है कि केवल अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बुराई के पीछे नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा नेगेटिविटी जाता है। उनका शुभ नाम देवेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी ने एक बात बहुत सटीक कही कि राजनेताओं को अपना काम करना चाहिए, दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब किसी के पीछे लग जाते हैं, इनका मतलब केजरीवाल से है, इनका मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, काम कीजिए, दूसरे को डिस्टर्ब ना कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे तमाम सुझाव जब मिलते हैं ना राजनेताओं को लेकर, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। आप दोनों भाग रहे हो ना, मैं ठीक बात नहीं है ये। गुरु क्या चल रहा है? ये बच्चा आप ही का है क्या? घुमाने लाए? नहीं यही रहते ना हम लोग, यही धनेली में। अरे धनेली कितना बड़ा हमें ही पता यार, ऐसा मत बताओ। तो शीतला तालाब में है ना भाई घर यार। मुझे ही बताओ, विकास उपाध्याय या बृजमोहन अग्रवाल? मैं कहा बता भाई, अरे जो मन करे वो बताओ, हम तो स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र, अगर आप जिसको भी बोलोगे हमको कोई दिक्कत थोड़ा। उनके कलम छाप वाला भाई अमन। कलम? हाँ। कलम में कौन है? वही बृजमोहन अग्रवाल। कलम कहाँ, कुमाल कमल का फूल है यार। हाँ जो भी है। बृजमोहन अग्रवाल, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे। नरेंद्र मोदी ठीक है, कमल का फूल ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनसे समझूंगा बताऊंगा। पूर्ववर्ती जब सरकार थी ना, तो इस गाय की बहुत चर्चा थी और इस गाय की चर्चा थी तो नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी और एला बचाना है संगवारी। सरकार बदली, गाय की पूजा और तमाम चीज़ों की चर्चा होने लग गई। अब ये गाय ऐसे ही घूम रही है। और कुछ लोग हैं उनसे बात करता हूँ और उनसे समझता हूँ। एक तो जो मसाले वाले बैठे हैं पूरा घेर लिए, जगह ही नहीं देना किसी को घुसने की है। अब क्या बताऊँ मैं, थोड़ा जगह यहाँ एडजस्ट करूँगा और इनके पास जाऊँगा। मुझे बताइए क्या चल रहा है, थोड़ा इधर घूमिए, मिर्च उर्च मत डाल दीजिएगा हमारे। ये बताइए, दो लोग हैं चुनावी मैदान में, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, कौन लगता है बेहतर है? कैसे मतलब? दो लोग चुनावी मैदान में, बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, आपको ठीक कौन लगता है?
ब्रिज मोहन है। कोई खास वजह? कोई खास नहीं, भाजपा में है। आप भाजपा में? भाजपा में। ठीक बात नहीं है। नहीं ठीक है ना, फिर भी अभी जो उसी का अभी ये चल रहा है अपना सरकार है। सरकार है वही ठीक है। देखिए सरकार जिसकी है यहाँ तो वही ठीक है, मतलब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ही ठीक है। क्या क्या खरीदारी हुई है अभी? तो बस या बोलते बस कहाँ आ पाएगी इसमें करेला बस खरीदा हुआ। करेला बस खरीदा, बस लगाना जरूरी है। हमें लगा करेला और ट्रेन खरीदे। अच्छा मुझे बताइए कि चुनाव में किसके पक्ष में मामला नजर आ रहा है? अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा के ही नजर आ रहे हैं। हाँ पूरे। और देश की बात की जाए तो? देश में तो भाजपा निकाल रहे हैं एकदम, गठबंधन पूरे बहुमत से आएगा। तो ये जो कह रहे हैं की बार 400 पार हो जाए? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन गठबंधन सरकार अपना एनडीए का ही आएगा, इतना श्योर है। भाजपा इंडिविजुअल मेजोरिटी ली आएगी? हाँ आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ क्या क्या मुद्दा काम करेगा इसमें? मुद्दा वो कुछ भी हो, लेकिन अभी जो अपना ये चल रहा है, लेकिन उसी का जैसा अभी राम मंदिर है यही मुद्दा सब चर्चित में है। और ऐसा नया काम करेगा? हाँ काम तो करेगा ही। आपका नाम? नारद नायक। नारद जी ने जो बात कही ना कि 400 तो हवाबाजी है लेकिन सरकार आ जाएगी, ये एक आम आदमी की पकड़ समझ है जिसको ये बता रहे हैं? भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं? मैं किसी कार्यकर्ता लेकिन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंकल जी की सफेदी और उसके साथ कुछ कालापन, ये बताइए मुझे सर चुनाव में मौजूदा स्थिति में क्या लगता है कौन पार्टी या कौन नेता बेहतर नजर आ रहा है? नेता में तो दोनों एक ही हाल है, दोनों पार्टी का, दोनों पार्टी के की हाल है। फिर भी चुनना तो पड़ेगा, या आप लोग को देख के हम लोग सीख रहे हैं, तो कौन लग रहा है बेहतर? चुनना पड़ है हमारे हिसाब से, इस बार बदलना चाहिए मोदी सरकार। मोदी बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। कोई खास वजह? महंगाई बेरोजगारी वजह ही वजह है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे आम आदमी क्या फायदा, 370 हटा दिए मानते हैं? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, राजनांदगांव युवा मोर्चा का भूतपूर्व अध्यक्ष राजेश चौबे नाम है मेरा। लेकिन मोदी की नीति ऐसा है लोकतंत्र को खत्म करने के रास्ते में दिखता है। ये नाराजगी है और इस नाराजगी को सत्ताधीशों को समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत उन राजनेताओं के लिए हो ही जाएगी। ये बताइए मुझे देश में जो राजनीति चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति चल रही है उसको क्या बताएंगे साहब हम? बताओ आपकी पर्सनालिटी देख के तो मैं खुश हो गया, मैं इधर आया वहाँ बता रहा हूँ क्या बताए। अच्छा मुझे ये बताओ देश के जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो ठीक हैं कि बदलने चाहिए? क्या है अभी जो महंगाई है ना वो हिसाब से बदलना चाहिए, उस हिसाब से बदलना चाहिए। महंगाई बहुत हो गई। हाँ महंगाई हो गई भैया। महंगाई की चर्चा क्या बात है बता दो भाव, हम ही बता दें इनको। तो 15 रुपए पाव भी खराब, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 चल रहा है क्वालिटी देख के, क्वालिटी देख के 20 चल रहा है, चल रहा। तो आप इनको 15 क्यों बताएं? अलग अलग माल है सर। अच्छा अलग अलग माल, 15 चल रहा है ले लीजिए आप इसी बात पे। ये बताओ आप मुझे जी सर कि देश में चुनाव है फिर जी, कौन लग रहा है इस बार बेहतर है? मोदी ही है, उससे बेहतर कोई नहीं है। ऐसा कैसे कह रहे हो? मोदी ने हर चीज का तो वो करके दिया सर, आपका आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जो जिस चीज में चाहो रक्षा के क्षेत्र में जाओ सब जगह अपना मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो आएंगे। देखिए इस बाजार से समझिएगा, ये वे लोग हैं जो मतदाता हैं, जो मतदान करने पहुंचते हैं, और यदि ये देखो पूरा साफ हो गया। कैसे बड़ी जल्दी बेच लियो महाराज, दुकान लगा रही हो? लगा रहे हो गया, बिक गया सब, बिक गया। अरे यार तुम बढ़िया, रुको तो रुको रुको, एक बार रुक जाओ भाई, बेच लियो सारा। एक बार बताओ, एक बार रुको दो गुरु, ये तुम्हारा नीचे गिरा। ये बताओ हमें देश में चुनाव होने वाले हैं कौन नेता ठीक लगता है आपको? हा? कौन नेता ठीक लगता है? कोई नेता ठीक नहीं लगता, सब सब बेकार है भाई। क्यों? क्या क्या कुछ नहीं हो रहा भाई अभी? कुछ नहीं, सब नेता बेकार हैं, इन्होंने बता दिया है सब नेता बेकार हैं, तो कुछ नहीं। क्या क्या खरीदारी हुई है?
क्या क्या खरीदारी हुई है? खीरा बस, क्या भाव लगाए? 20 रुपए किलो। तुमने पहले बता दो गुरु ताकि। अच्छा मुझे बताओ आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? कॉलेज। कौन से? फाइनल ईयर। कौन सी स्ट्रीम से? फार्मा। मतलब दवाई वाई की व्यवस्था आप करा दोगे हमारे लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा कि देश में चुनाव होने जा रहे हैं, कोई नेता जो पसंद हो? नकार इसलिए नहीं सकते हो क्योंकि पॉलिसी बनाते हैं वो लोग और उन्हीं पॉलिसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कोई एक नेता जो आपको पसंद हो? नेता नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह? उनका कोई काम ऐसा? उनके अभी जितने भी काम है सब अच्छे लगते। एक आध काम बताओगे? काम क्या करा हूँ एक मिनट। अब इतने सारे काम जितने बोल दिए, एक आध तो बताई दो। अभी मतलब उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, उनके लिए काम किया है और बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। टमाटर लाल दिख रहा है और हम इन्हीं के पास बैठ लेंगे। जरा बताओ गुरु टमाटर क्या भाव चल रहा है? 15 रुपए किलो भैया। 15 रुपए किलो। एक बात बताओ मुझे कि देश में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है भैया? देश में चुनाव हो रहे हैं, कौन नेता पसंद है? कौन नेता पसंद है? इतना लीजिए 2 किलो पकड़ो, दे रहा हूँ एक मिनट में। हाँ बोलो। कौन नेता पसंद? मैं लग रहा नोट पसंद है, नेता कोई पसंद नहीं है। अरे यार भैया ऐसा मत पूछो। एक बार मैं किसका नाम लूंगा? किसी का भी ले दो, कोई तुम्हारे पास ईडी की रेट नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं भैया। टमाटर 15 2 किलो 30। बता नहीं पा रहे हो? नहीं भैया ऐसा नहीं बोलूंगा भैया। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको डर है कहीं सरकारी एजेंसियां जो केजरीवाल के यहाँ हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंच रही हैं, कहीं इनके यहाँ ना पहुंच रहा है, क्योंकि इस टमाटर का रंग बहुत लाल है और इस टमाटर का रंग यदि लाल है तो इस लाल रंग में इनको डर है कि ये लाल रंग कहीं फीका ना पड़ जाए। ये राजनीति इसी तरीके से इन लोगों के जिनसे हमने बात की उन्हीं के आधार पर चलती है, और जब उनके आधार पर चलती है तो एक बात साफ हो गई है कि जिनसे हमने चर्चा की ये वही मतदाता हैं जो नेता चुनते हैं इस उम्मीद में, जो नेता चुनते हैं इस उम्मीद में कि हमारा कुछ भला होगा, लेकिन भला नहीं हो पाता और उसके बाद नेता अपने रास्ते और ये जो वोटर है ये अपने रास्ते। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।